हम सब अपने मन और बुद्धि को दुनिया के सभी न्यूज़, अनेक बातें, परिस्थिति इन सारे झमेलों से हटाकर या सबको समेट कर अपना ध्यान भ्रकुटी के मध्य में स्वयं की ओर ले आए, अपने आप से पहला प्रश्न करेंगे, कौन हूं मैं, अपनी बुद्धि जवाब देगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो, मैं अंदर महसूस करती हूँ भ्रुकुटी के मध्य में एक सुवर्ण रत्न जड़ित तख्त तैयार हो रहा है और उस तख्त पर बैठी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मस्तक के बीच तख्त पर चमकते हुए सितारे को देखो। मेरा ध्यान केवल मेरे ऊपर है। हम सब चमकती हुई मनिया इस नमा शाम के समय इस दुनिया के आकर्षण को भूल अपने घर जा रही है। एक साथ हम सभी आत्माएं चलो चलते हैं अपने प्यारे घर। हम सब एक झुंड में इस धरती के आकर्षण से ऊपर पंछियों की तरह उड़ते हुए जा रहे हैं। बड़े बड़े बादल दिखाई देते हैं। एक तरफ सूर्यास्त हो चुका है, आकाश में चांद भी दिखाई दे रहा है।
सभी पंछी अपने घोंसले की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हम आतंक पंछी भी अपना घोंसला अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बादलों से बीच से निकलकर नीले आसमान से ऊपर हम आत्माएं जा रही है अपने घर। सफेद प्रकाश की दुनिया दिखाई दे रही है। दूर से कोई फरिश्ता हमें देख रहा है, अपनी बाहें खोलकर हमें बुला रहा है। हम देखते हैं, अरे ये तो मेरा प्यारा ब्रह्मा बाबा है। हम सब बाबा के पास पंछी के रूप में पहुंच रहे हैं। हम आतंक पंछी बहुत प्यार से कोई बाबा की गोदी में बैठा है, कोई बाबा के कंधे पर बैठा है, कोई हाथ पर। जैसे ये हमारी माँ और हम उनके बच्चे, हम नन्हे मुन्ने पंछी इस संसार में सफर करने गए थे और वापस अपनी माँ को आकर बिलक गए। प्यारा ब्रह्मा बाबा, हम आतम पंछियों के जैसे सर से हाथ घुमा रहा है और कहता है, मेरे लाडले बच्चे, इस दुनिया की सफर में थक तो नहीं गए? हम बाबा को कहते, बाबा इन पंखों में मजबूती भरने के लिए तो आए हैं। बाबा कहते, बच्चे तो शिव बाबा को बुलाकर नहीं लाओगे? हम कहते, हाँ बाबा जरूर। अब हम आतम पंछी वहां से उड़कर चले अपने घर, उस लाल प्रकाश की दुनिया की ओर। दूर से ही वो वतन हमें आकर्षित कर रहा है, वो दिव्य परमात्मा ज्योति, उससे मिलने के लिए हम सभी आतम पंछी बहुत तेज दौड़ी लगाकर परमधाम की ओर पहुंच गए। सामने वह चमकती हुई दिव्य मणि, मेरा मीठा बाबा, उसकी हजारों फैली हुई किरणें, मैं उन किरणों की रश्मियों को देखता हूं। कितना प्यार है वो किरणों के अंदर भरा हुआ। मैं बाबा के सन्मुख बाबा कहते, बच्चे बाप को बुलाने आए हो? हम कहते, हाँ बाबा। बाबा वो दिव्य किरणों से दृष्टि दे रहा है। वो एक एक किरण मेरे अंदर सर्व शक्तियों को भर रही है। मैं बाबा की ओर देख रहा हूं। बाबा सर्व शक्तिवान के रूप में
अपनी हजारों लाखों किरणों के साथ परमधाम में स्थित है। मैं बाबा का ये रूप जैसे पहली बार देख रही हूं। वो एक एक शक्तिशाली किरण मेरे अंदर समा रहा है और दसों दिशाओं में फैल रहा है। इतनी प्रचंड शक्ति वो किरणों के अंदर। जैसे वो किरणें मेरे अंदर समा रही है, मैं नेचुरल अपनी उस समान की स्थिति में सेट हो रहा हूं। मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान। महसूस करें एक एक शक्ति। मैं बाबा से खींच रहा हूं। मैं भरपूर होता जा रहा हूं। अब मैं देखता हूं बाबा की ओर से 8 अलग अलग रंग की किरणें निकलकर वो 8 किरण अष्ट शक्तियों के रूप में मेरे अंदर समा रही है। एक एक किरण को अंदर जाता हुआ देखें। अब बाबा कहते हैं, ओ मेरे नन्हे मास्टर सर्वशक्तिमान, चलो आप हमें बुलाने आए हैं ना। हम बाबा के साथ चमकती हुई मनिया, बीच में बाबा, हम सब एक गोल सर्कल में और बाबा बीच में। हमारे अंदर वो अष्ट शक्तियां भरता हुआ और हम सब एक साथ परमधाम से नीचे उतर रहे हैं। कितना प्यारा दृश्य है ये। मैं सर्वशक्तिमान के साथ, जो इस विश्व का मालिक है, प्रकृति जिसके ऑर्डर में चलती है, जैसे बाबा की किरणों की हाथों में हाथ उतर रहे सूक्ष्म वतन की ओर। नीचे ब्रह्मा बाबा को देखते हैं सूक्ष्म वतन में और बाबा जैसे तैयार होके बैठा है, सफेद कड़क चमकीली ड्रेस पहनी है और बहुत प्यार से हमारी ओर देख रहा है। ब्रह्मा बाबा के बाजू में हम सबके संपूर्ण फरिश्ता रूप भी दिखाई दे रहे हैं। श्री बाबा ब्रह्मा बाप की मस्तक में प्रवेश करते हैं और हम सब आत्म पंछी भी अपने संपूर्ण फरिश्ता रूप में प्रवेश करते हैं। देखो अपना वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप।
ऊर्जा से भरपूर है। अब मैं बाबा के सामने बैठता हूं। बाबा का वो दिव्य तेज और शक्तिशाली हाथ दोनों एक साथ मेरे सर के ऊपर, देखो बाबा ने अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा। वो तेज करंट मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। आठ शक्तियां, सात गुण मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। अब बाबा कहते बच्चे, अब अपनी इन शक्तियों को देखो। बाबा का हाथ हमारे सर पर है और सबसे पहली शक्ति जिसको मैं महसूस कर रही हूं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। सारे कल्प के विस्तार को हमने समेट लिया। केवल बाबा और मैं, बाबा दृष्टि दे रहा है। मैं बस बाबा को देखती जा रही हूं। मेरे अंदर अब हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, हर परिस्थिति का सामना करने में समर्थ बनता जा रहा हूं। बाबा का हाथ सर पर अनुभव करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, हमें हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को परखने की शक्ति मिल रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मुझे सही निर्णय करने की शक्ति मिल रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मुझे अनेक आत्माओं को, प्रकृति को सहयोग
देने की शक्ति मिल रही है। मेरा रूप निखरता जा रहा है, अनंत शक्तियों का संचार हो रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मेरे अंदर सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मेरे अंदर समेटने की शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं सर्व शक्तियों की अथॉरिटी बनती जा रही हूं। मेरे मस्तक के चारों ओर आठ शक्तियों के सर्कल, आठ लेयर बन रहे हैं और मैं अष्ट शक्ति संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिमान अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हूं। अब ये आठों लेयर मुझसे निकलकर, ये आठों शक्तियां दसों दिशाओं में फैलती जा रही है। अपने इस ऑरा को दूर दूर तक फैलता हुआ देखें। ये शक्तियां सूक्ष्म वतन से नीचे उतर रही है संपूर्ण आकाश में। प्रकृति का पहला तत्व पूरे आकाश तत्व में आठों शक्तियां फैल रही है। अब धीरे धीरे ये शक्तियों को नीचे आता हुआ देख रही हूं मैं। अंदर स्वमान पूर्ण जागृत है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ये शक्तियों के वलय पृथ्वी तत्व की ओर पहुंच रहे हैं। आकाश से नीचे उतरते हुए पहले वायु तत्व, दूर दूर तक हवाएं बह रही है और ये आठों शक्तियां उस हवाओं से ट्रेवल कर रही है। पूरा वायु तत्व के अंदर ये शक्तियां घुल मिल रही है और मैं क्या देखती हूं, इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं जो श्वास ले रही है वो हर एक आत्मा के अंदर, हर एक के शरीर के अंदर वो सर्वशक्ति संपन्न हवाएं उनके शरीर में, उनके श्वासों में प्रवेश कर रही है और ये तेज शक्तियां जैसे ही उनके शरीर में प्रवेश करती है तो हर एक के मस्तक पर एक दिव्य ज्योति चमकने लगी। मैं अपने स्वमान में स्थित हूं। मैं
मास्टर सर्वशक्तिमान हो। एक एक आत्मा वो आठों शक्तियों को ग्रहण कर रही है। हर एक के अंदर सहन करने की शक्ति, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, समेटने की शक्ति, हर एक आत्मा तक पहुंच रही है। सृष्टि की 750 करोड़ आत्माओं का समान बन गया ये। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। क्या कमाल है, 750 करोड़ आत्मा इस स्वमान में स्थित है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ये संपूर्ण सृष्टि हर प्रकार के वायरस से मुक्त हो रही है। हर एक मनुष्यात्मा का मन और शरीर पावरफुल बनता जा रहा है। ओम शांति।